इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम अगर जीरो है तो इसका मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है यहाँ तक। अब कोई नेट फोर्स जीरो है का मतलब मान लो कि एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर है 10 इधर है, तो नेट फोर्स क्या है 10 में से 10 क्या जीरो, तो वो इक्विलिब्रियम है। तो चलो इक्विलिब्रियम का ये तो बात समझ में आती है कि नेट फोर्स जीरो है, पर ये नहीं समझ में आता कि स्टेबल अनस्टेबल में क्या क्या फर्क है। तो मैं आपको दो छोटे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल तीन किस्म के इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक, इमेजिन करो ये एक वॉल है या कोई भी एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कुछ भी नॉर्थ है, और बिल्कुल वैसे ही यहां पर लेट अस सपोज साउथ है। एक मैग्नेट आपने ली, ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को यहां से हिंज कर दिया, मतलब यहां स्क्रू लगाया ताकि रोटेट कर सके, मूव नहीं कर सकती, खड़ी खड़ी रोटेट कर सकती है। तो अगर आप कहीं भी इसको रोटेशन कर दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद नॉर्थ आपको यही मिलेगा, साउथ आपको यही मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ इज अट्रैक्टेड बाय साउथ एंड साउथ इज अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ। तो इमेजिन करो इस साउथ ने इस नॉर्थ को फोर्स लगाई 10 न्यूटन, इसके पोल ने इसके पोल को, और ऐसे ही इस नॉर्थ ने इस साउथ को फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो बोलो नेट फोर्स कितनी है मैग्नेट के ऊपर, जीरो। तो यानी कि ये मैग्नेट किस में है, इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ गई, जीरो। कोई डाउट इसमें, इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल अनस्टेबल देखो क्या होता है। इमेजिन करो कि मैंने जाके इसका इक्विलिब्रियम खराब कर दिया, मैं इसको हल्का सा घुमा दिया या रोटेट कर दिया इधर को, तो मैंने देखा जब रोटेट करके मैंने छोड़ा ये फिर ऐसी दिखा मुझे, थोड़ी देर बाद ये मैग्नेट फिर ऐसी आ गई। अब जैसे मर्जी रोटेट कर लो, अल्टीमेटली मैग्नेट ऐसी दिखेगी आपको, रुकेगी तो यहीं पे आ गई। तो अगर आपका कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उसे डिस्टर्ब कर दें बाय अप्लाइंग सम फोर्स ताकि नेट फोर्स जीरो ना हो और वो वापस वहीं पे आ जाए और फिर से अपने नेट फोर्स को क्या कर ले, जीरो, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आप जैसे मर्जी घुमा लो इसने आ तो वैसे ही जाना है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कोई डाउट इसमें। अब अनस्टेबल समझो क्या होता है। सपोज करो आपने फिर से एक बार यही मैग्नेट ली, बहुत मुश्किल से आपने एडजस्टमेंट की कि साउथ यहां पर आ जाए और नॉर्थ यहां पर आ जाए और ये रोटेट भी ना करे, बिल्कुल रेस्ट पे आ जाए, ऐसा हुआ, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, मान लो 10 न्यूटन, और साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल, मान लो 10 न्यूटन। अब नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है, जीरो, कैंसिल, टिक गई है, ऐसे टिकी हुई है, हिल नहीं रही, तो नेट फोर्स क्योंकि जीरो है। लेकिन अगर आप इसे हिला दें, अब ये ऐसे नहीं आएगी, अब ये घूम के ऐसे हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब एक बार तो इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स जीरो है लेकिन अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो उस पोजीशन पर वापस नहीं आएगी, वो किस पोजीशन पर जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, टेम्पररी तो रह सकता है लेकिन परमानेंट नहीं रह सकता। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक, स्टेबल देखो जबकि नेट फोर्स दोनों के अंदर जीरो ही है, कुछ किया ही नहीं हमने, लेकिन फिर स्टेबल अनस्टेबल फर्क समझ में आ रहा है। तीसरा, मान लो आपके पास एक कोन है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है कोन, ठीक है, घूम सकता है, कहीं भी घूमे घूमेगा। आपने क्या, देखो ये पड़ा था रेस्ट पे, ये रेस्ट पे है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम है। आपने इसको घुमा दिया, ये भी घूम के इधर से इधर आ गया, रुक गया, अभी भी इक्विलिब्रियम है। आपने और फोर्स लगाई, ऐसे घुमा दिया, ऐसे आ गया, कहते तो जहाँ रखोगे ना मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं वहीं आ जाऊँगा। आप मुझे ऐसे रखोगे, मैं ऐसे रेस्ट पे आ जाऊँगा, ऐसे रखोगे, मैं ऐसे रेस्ट पे आ जाऊँगा। तो मेरे लिए स्टेबल अनस्टेबल का चक्कर ही नहीं है। आप अगर ये कोन को ऐसे मूव करवाऊँगा, कोन वापस आएगा, कोन क्यों वापस आएगा, वो अपना नया इक्विलिब्रियम बना लेगा। तो इस ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, मतलब जहाँ बॉडी को रखो वही उसका इक्विलिब्रियम है। तो इसको पिछले इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जहां बॉडी को रखोगे वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, हिलेगी भी नहीं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जिस मर्जी ओरिएंटेशन में रख दो,
तो ऐसे इक्विलिब्रियम्स को डिवाइड किया गया। अब इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है ये तो मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है ये नहीं मालूम। अब पोटेंशियल एनर्जी का आपको कुछ कुछ मालूम है, अभी देखना आपको रियलाइज़ होगा कि आपको शायद कोई टीचर बता चुका है एनर्जी का और इक्विलिब्रियम्स का। अभी देखो मैं रिलेट करके दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मेरा, एक फ़ोटो फ्रेम है, धागे से आपने कील पे टांग दिया तो वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक, नीचे को रेस्ट पे, आपने जाके ऊपर की तरफ कर दिया, इसे छोड़ दिया, अल्टीमेटली झूल के फिर नीचे आएगा और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नेट फोर्स तो जीरो करेगा ही अपने इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो आप क्या कर रहे थे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती नहीं है, क्या करती है, कम करती है। अच्छा चलो आपका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अपर शेल पे भेज दो, वो कूद के कहाँ आता है, लोअर शेल पे, अपनी एनर्जी को क्या करता है, मिनिमाइज, कम से कम करता है, सिखाते हैं केमिस्ट्री टीचर, तो नीचे आने में एनर्जी रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज क्यों करता है, ताकि स्टेबिलिटी अचीव कर सके, स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, मिनिमम। तो कोई भी अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या की जाती है, मिनिमम, और अनस्टेबल में हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम। वो मैग्नेट वाला एग्जांपल देखा, अनस्टेबल था, भरा बैठा था एनर्जी से, हिला के देखो सही फटाफट भागता था, उसमें मैक्सिमम थी एनर्जी उसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो लिखो फॉर्मूला बुकलेट में दो लाइनें, ये आता है पेपर में, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, आप बोलेंगे मिनिमम, अनस्टेबल में क्या होगा, मैक्सिमम। ये दो लाइनें लिखें, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अनस्टेबल में मैक्सिमम है। अब एनर्जी और फोर्स का क्या रिलेशन था, याद है, एफ इज इक्वल टू क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फोर्स क्या होती है, जीरो, तो फोर्स को जीरो पुट किया तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। अब याद है मैक्सिमम मिनिमम क्या था प्रोजेक्टाइल में, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं तो यू या तो मिनिमम होगा या यू मैक्सिमम होगा। तो यही स्टेप था, और मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसे केस में अगर इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू क्या होगा, मिनिमम होगा। ये करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। वो डबल डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो यू मिनिमम के लिए याद है, डबल डेरिवेटिव क्या होता था, पॉजिटिव। पर ये करने की जरूरत है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। जो क्वेश्चन आता है मैंने बता दिया कि एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और एनर्जी मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और न्यूट्रल पे एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ये करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन है, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है 3x2 - 2x, आपको x की वैल्यू बतानी है जब बॉडी किसमें है, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब f इज इक्वल टू जीरो, f को जीरो पुट करो, x निकालो, तो इतनी x की वैल्यू पर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। उसी तरीके से अगर एनर्जी गिवन है और वो ये पूछ रहा है कि x की फोर्स निकालो क्या है, अब एनर्जी गिवन है, फोर्स निकालनी है, तो फॉर्मूला पता है ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फोर्स आ गई। एक और स्टेप, अब वो ये बोलेगा कि फोर्स तो आ गई, मान लो इक्विलिब्रियम भी है, एक्स की वैल्यू बताओ जब जब इक्विलिब्रियम है, जो भी फोर्स आई उसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होती है, जीरो। तो इसको उठा के जीरो पुट करेंगे, इतनी वैल्यू पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम।